भागलपुर में इंटर परीक्षा के दौरान बच्ची का जन्म, केंद्र पर हुई प्रसव पीड़ा, सदर अस्पताल में बच्ची को दिया जन्म, खुशी में सेंटर पर बटी जलेबी। बेगूसराय में किसान पर फायरिंग, गंभीर रूप से घायल, जमीनी विवाद में गोलीबारी की आशंका, पहले से घात लगाए अपराधियों ने मारी गोली। फर्जी चेक से 8,55,000 की निकासी, कैमूर में खाता धारक ने मैनेजर व कैशियर पर आरोप लगा, थाने में दिया आवेदन। पेट्रोल पंप लूटने आए अपराधियों ने कर्मियों को मारी गोली, गया में पहले पेट्रोल भरवाया फिर पैसों से भरा बैग छीनकर भागने लगे, शोर मचाया तो दागती गोली। मुंगेर में सीएसपी संचालक से 3 लाख की लूट, बैग से रुपया निकाल कर लौट रहे थे, एक बाइक पर सवार 3 लुटेरों ने छीना बैग। बांका में सड़क हादसे में हवलदार की मौत, ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम, 9 महीने ही बचे थे रिटायरमेंट के। बीपीएससी ने फिर बढ़ाई सीडीपीओ परीक्षा की तारीख, अब 15 मई को होगा पीटी एग्जाम, 55 सीटों पर 1,80,000 आवेदकों ने किया अप्लाई। समस्तीपुर में आरजेडी नेता पर फायरिंग, गंभीर रूप से घायल, बहन के घर जा रहे थे तभी अपराधियों ने मारी गोली, निजी अस्पताल में भर्ती। केंद्र अधीक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, मनमानी से परीक्षार्थियों को हो रही परेशानी, अंधेरे में परीक्षा देने को विवश। औरंगाबाद में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़, पचरुखिया जंगल में इनकाउंटर, दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग। 4,355 करोड़ स्कैम का मुख्य आरोपी दलजीत सिंह गिरफ्तार, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है आरोपी, रक्सौल बॉर्डर से पकड़ा गया। गया से दिल्ली की सारी फ्लाइट 28 फरवरी तक कैंसिल, कोरोना के कारण इंडिगो की सारी फ्लाइट रद्द, कोलकाता के लिए 4 दिन विमान सेवा। नालंदा में किशोर की डूबने से मौत, खेलने के दौरान नदी में डूबा, खोजबीन के दौरान उपलाता मिला शव। मुजफ्फरपुर में कोरोना के 22 नए मरीज, 3 मरीज एसकेएमसीएच में हुए भर्ती, एक गर्भवती महिला भी संक्रमित। पोर्टल पर अब स्वयं रजिस्ट्रेशन कराएंगे सरकारी व निजी स्कूल, राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का हो रहा आयोजन, 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन।